कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का रांची घर आजकल सुर्खियों में है। दरअसल क्रिकेट टीम के तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं रांची में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने अपने घर पे तमाम जो भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं उनको खाने पर बुलाया। महेंद्र सिंह अपने घर पे अपने शौक की तमाम चीज़ें रखे हुए हैं। कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी को गाड़ियों से काफ़ी लगाव है। ऐसे में धोनी के गैरेज में पुरानी से पुरानी गाड़ियां रखी हुई है। धोनी को जब भी वक्त मिलता है, जब भी मौका मिलता है, धोनी उस गैरेज में पहुंच जाते हैं और वहां पे अपनी गाड़ियों को फिर से संवारने लगते हैं, साफ सफाई में जुट जाते हैं, मरम्मत में जुट जाते हैं। यह तस्वीरें कई बार सामने आई है। भारतीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी के गैरेज की चर्चा खूब होती रही है। हर प्लेयर यही चाहता है कि जब भी वो धोनी के घर जाए तो उनके गैरेज में जाकर उनके गाड़ियों का जो शौक है उसे जरूर देखे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भारतीय टीम के कप्तान जब पहुंचे हुए हैं उस वक्त की है। भारतीय टीम के प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी के आवास पर पहुंचे हुए उस वक्त की है। धोनी के घर पर जिस भोज का आयोजन किया गया था उस भोज के बाद मस्ती करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के इस कप्तान की तस्वीर है। शोले रिटर्न, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले के रिमेक की बात हो रही है। हालांकि मूवी तो अब तक बनकर तैयार नहीं हुई, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के पास धर्मेंद्र और अमिताभ वाली वो बाइक जरूर है, जिस बाइक से ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे गाना काफ़ी फेमस हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी के उस बाइक पर अब धोनी के साथ पांड्या बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और शोले रिटर्न की बात की जा रही है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के आवास पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और दूसरे जो खिलाड़ी थे वो धोनी के गैरेज में पड़े पुरानी से पुरानी गाड़ियों का जो कतार है वो देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। इस बीच एक बुलेट, काफ़ी पुरानी मॉडल बुलेट है जिसमें एक अलग से जो है वो कंपार्टमेंट भी लगाया गया है जिसमें धोनी बैठे हुए हैं। धोनी मुस्कुराए जा रहे हैं कैप्टन कूल के साथ। भारतीय क्रिकेट टीम के जो 2020 जो मैच होने वाला है रांची में उसके कप्तान भी हैं और पूरे उत्साहित हैं और उन्होंने खुद यह फोटो सोशल मीडिया पर डाला और लिखा भी है। इसके बाद आपको बता दें कि क्रिकेट जो समर्थक हैं, खासतौर पर महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या के जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो इन तस्वीर के सामने आने के बाद बेहद खुश हैं। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के गैरेज में कई गाड़ियां रखी हुई है। पुरानी से पुरानी गाड़ियों का शौक रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी के गैरेज और उनके घर में कई ऐसे सामान हैं जिसे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी देखकर चौंक गए। धोनी अपने शौक बेहद ही सादगी से रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। धोनी ने अपने खेल के दौरान देश का नाम एक बार फिर से क्रिकेट के इतिहास में दोहराया और अब महेंद्र सिंह धोनी अपने शौक के लिए जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी रांची में जिस जगह पर रहते हैं उनका पूरा फार्म हाउस है और वहाँ पे वो अपने शौक की तमाम चीज़ें रखे हुए हैं। कई तस्वीरें उनकी निकल के सामने आती है, कभी बेटी जीवा के साथ मस्ती करते हुए तो कभी पत्नी साक्षी के साथ टहलते हुए। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं उनके साथ भी खूब मस्ती करते हुए दिखे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।